लेकिन दिखाइए आईपीओ 360 का एक बहुत बढ़िया वाइप। और आशीष जी अब आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे सफायर फूड्स के बारे में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आपको और बता दूं, जो लोग नायका में निवेशित थे और उन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था आशीष जी, 92 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, 5400 करोड़ रुपए का आईपीओ, उनके डीमैट में शेयर आ चुके हैं। 1125 रुपए का शेयर नायका का था। अब बताइए सफायर की क्या उम्मीदें हैं? दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन ऑपरेटर है यम ब्रांड्स। यम ब्रांड्स का के दो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं लार्जली। पहले बहुत सारे होते थे, कंसोलिडेट कर दिया था यम ब्रांड्स ने अपनी फ्रेंचाइजीज को इंडिया में। एक थी देवयानी इंटरनेशनल, जो कुछ ही दिन पहले आपने लिस्ट होती हुई देखी, उसी यम ब्रांड्स की जो दूसरी फ्रेंचाइज है, जो वेस्टर्न इंडिया सदर्न इंडिया के लिए लार्जली है, खैर नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है सारे के सारे, तो दूसरी फ्रेंचाइज है आज, उसका दरअसल आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। तो आज खुलेगा 11 नवंबर यानी कि थर्सडे तक खुला रहेगा। 1120 से 1180 का प्राइस बैंड, 2075 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए जुटाने की योजना। 12 शेयरों का लॉट, एक लॉट के लिए 14160 रुपए देने होंगे और अधिकतम 14 लॉट्स के लिए रिटेल अप्लाई कर सकता है। 14 लॉट मतलब 168 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो केएफसी और पिज्जा हट की ऑपरेटर है, ये दो मार्केट लीडिंग क्यूएसआर ब्रांड्स हैं। लास्ट अपडेट जो आया कल, मैं असल में एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एड देख रहा था इनका, तो उन्होंने अपडेट दिया सितंबर एंड तक का। 482 रेस्टोरेंट्स हैं इस देश में, श्रीलंका में और मालदीव्स में। यहां पे यही दोनों ब्रांड चलाती है, ये केएफसी और पिज्जा। श्रीलंका में टाको बेल का भी ऑपरेशन इसके पास है। तो बढ़िया ऑफरिंग्स है चिकन पिज्जा और मेक्सिकन इंस्पायर्ड फूड्स की। इंटायरली एक ओएफएस है, तो पी होल्ड करती है इस कंपनी में स्टेक, जो करंट प्रमोटर्स हैं। 60% का स्टेक है इस आईपीओ के बाद, अगर सक्सेसफुल रहा ये आईपीओ तो रिड्यूस होकर 49.97% पे आपको इनका स्टेक पहुंचता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे FY 2020-21 के। FY 21 में 1100 करोड़ का टॉप लाइन और इस कंपनी ने क्लॉक करा था ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का घाटा, लेकिन इबीटा पॉजिटिव थी, 12.2% के इबीटा मार्जिन इस कंपनी ने क्लॉक करे। ये है आज की ऑफरिंग सफायर फूड, और पेटीएम का आईपीओ का आज डे टू होगा। तो ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है? लॉस मेकिंग है। उन्होंने कुछ बताया रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी? 1:30 बजे मुलाकात है इनके मैनेजमेंट से मिली। क्या बात है। तो कल जुमान जी के साथ आप जुड़े और आप आज सफायर फूड्स के साथ वार्तालाप करते हुए दिखेंगे। एक इंटरेस्टिंग थीम मैं आपको बताऊं आशीष जी, एक बार पूरे के पूरे भारतवर्ष में जितने भी 5-स्टार होटल्स हैं वहां पर एक सर्वे किया गया कि सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा ऑर्डर करने वाला ब्रेकफास्ट क्या है, तो वो क्या निकला होगा आप बताइए? ये कहां पे हुआ था? हमारे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में 4 साल पहले एक बहुत बढ़िया सर्वे हुआ जहां पर ये पूछा गया पूरे 5-स्टार होटल से कि आपके ब्रेकफास्ट में सबसे बढ़िया डिश और सबसे ज्यादा ऑर्डर डिश क्या होती है। वो थी मसाला डोसा। ये बात अच्छा कमाल की बात, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मसाला डोसा ऑर्डर किया जाता है सुबह के ब्रेकफास्ट में 5-स्टार होटल से। इसका मतलब सफायर की पकड़ नहीं है वहां पे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल राठी साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एडवाइजरी सर्विसेज के मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के। राठी साहब नमस्कार, बताइए मसाला डोसा ज्यादा पसंद करते हैं आप ब्रेकफास्ट में सुबह, या आपको सफायर फूड्स के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, और राय दीजिए क्या करना चाहिए इस आईपीओ में? पैसा लगाएं, लॉस मेकिंग कंपनी है। गुड मॉर्निंग शेयर जी, गुड मॉर्निंग राठी जी। तो अगर देखा जाए तो मसाला डोसा ही मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम है, और अगर सफायर फूड्स की बात करेंगे तो जैसे आशीष जी ने बताया कंपनी केएफसी पिज्जा इंडिया में ऑपरेट करती है, टैको बेल श्रीलंका में ऑपरेट करती है। तो इस पर मारवाड़ी शेयर एंड फाइनेंस का एक सब्सक्राइब का व्यू है सर लॉन्ग टर्म। कुछ रीजन है मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है एज वेल एज कंपनी स्पेसिफिक भी है। अगर हम लोग कंपनी का वर्टिकल्स की बात करेंगे तो केएफसी जो कंपनी ऑपरेट करती है, अगर देखा जाए अराउंड 58% कंपनी का रेवेन्यू केएफसी से आता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 62% आता है। सो केएफसी में मेरे को लगता है कंपनी का अच्छा आगे ग्रोथ रह सकता है, बिकॉज जैसे आशीष जी ने बताया अराउंड 50-60%
जो कंट्री का पॉपुलेशन है, जहां जहां पे स्टेट्स में ये इनके आउटलेट्स है, वहां पे अराउंड 40% नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। तो KFC जैसे चिकन का एक ब्रांड है, इंडिया का नंबर वन ब्रांड है। हम लोग अगर मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि KFC पे अच्छा खासा क्यूज रहता है, तो KFC में ऐसा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से ये अच्छा लग रहा है ये कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर पिज्जा हट की बात करेंगे तो अभी पिज्जा हट में हम लोगों ने पहले देखा था 2-3 ईयर बैक पिज्जा हट बहुत एक्सपेंसिव देन डोमिनोज। सो अभी बट लास्ट 2-3 ईयर से कंपनी ने अपने प्राइसेस कम किए हैं एंड कॉम्पिटिटर्स को मैच किया है। सो कंपनी का मार्केट शेयर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है एंड डायमंड स्टार्ट हो गया है। और द बेस्ट पार्ट इस कंपनी में मेरे को ये लगता है कि जो मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटेजी है ओमनी चैनल्स का, विच इज डिलीवरी डाइनिंग एज वेल एज टेक अवे, उसमें कंपनी ने पूरा फोकस कर दिया है। एंड जो उनके स्टोर साइज थे वो कंपनी ने भी रिड्यूस कर दिए हैं। एज पर कंपनी अराउंड 30-40% स्टोर साइज रिड्यूस किए हैं, उसकी वजह से 17-18% इनका मार्जिन में इनका पैसा बच रहा है और वो कैपेक्स में इंक्रीज होगा। तो ये एक पॉजिटिव रहेगा एंड कंपनी आगे जाके अपना स्टोर भी एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रही है। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनी को हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू। अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो अगर डेलियानी से कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू सेल्स वाइज रीजनेबल वैल्यूएशन है। ईबी बाय एबिटा से देखेंगे तो अगर एडजस्टेड ईबिटा से देखेंगे तो अराउंड 41 टाइम्स के आसपास ये कंपनी लिस्ट होगी। सो देवयानी इंटरनेशनल से भी थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन है। बट दिस इज QSR, ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, तो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए इसमें क्विक रिटर्न नहीं मिलेंगे। बिकॉज ये कंपनी लॉस मेकिंग है, जैसे 100 करोड़ का घाटा दिया है कंपनी ने लास्ट ईयर। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच बिकॉज अपकमिंग क्वार्टर्स में कंपनी के कितने रेवेन्यू स्टेबल रहता है, कितना ग्रोथ होता है, उनको बहुत देखना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट 2-3 ईयर से देखा है कि कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल है एक्सेप्ट 2021 बिकॉज ऑफ कोविड। बट जिस हिसाब से ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और कोविड के बाद मोस्टली सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू फूड प्रेफर कर रहे हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि ये कंपनी एक पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जी राठी साहब, दो बहुत ही सिंपल प्रश्न। 1120 से 1180 का यहाँ पर प्राइस रेंज है आईपीओ का, क्या आप एक पॉपअप देखते हैं लिस्टिंग पर? तो लिस्टिंग पे ज्यादा गेन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। लिस्टिंग पे वी कैन सी 5-10% का एक जंप देख सकते हैं। बिकॉज ये लॉस मेकिंग कंपनी है, अपकमिंग क्वार्टर्स में क्या रिजल्ट आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड KFC एंड पिज्जा हट, जैसे पिज्जा हट का भी जो डाइनिंग स्टार्ट हुआ है उसका भी ग्रोथ हमें देखना पड़ेगा इन अपकमिंग क्वार्टर्स। जो दिवाली के बाद अभी जो सीजन आएगा, दिसंबर का न्यू ईयर का सीजन आएगा, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो लिस्टिंग पे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और जिनको जिन इन्वेस्टर्स को अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आई वुड सजेस्ट कि लिस्टिंग के बाद भी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ के लिए। जी किन्हीं कारणवश राठी साहब, अगर सफायर फूड्स आपको आईपीओ प्राइस के नीचे मिलता है लिस्टिंग के पास और लिस्टिंग के अगले हफ्ते के आसपास, तो कौन सा एक ऐसा जोन होगा जहां पर आप दिल खोलकर खरीदारी करेंगे? देखिए सफायर फूड्स में देखेंगे अगर लिस्टिंग के दिन भी अगर नीचे खुलता है या उसके बाद भी नीचे खुलता है, तो 1000 और 1050 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इस पे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये लेवल अच्छा है। राठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सटीक राय दी। 5% के आसपास पॉपअप आपको शायद सफायर फूड्स की लिस्टिंग में दिखे, और अगर ये आपको 1000-1050 के आसपास मिलता है तो इस पर खरीदारी करें।